गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आनंद मेहता। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज है 31 मार्च 2023। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग अभी द्वारका के क्लब महिंद्रा रिसोर्ट में रुके हुए हैं। आज चेकआउट का दिन है, एक छोटा सा स्विमिंग सेशन जो है उसके लिए आए हैं। पापा ऑलरेडी स्विमिंग पूल में जा चुके हैं और मैं भी जा रहा हूँ। जस्ट ऊपर यहाँ पे जिम देखने के लिए आया था कि कैसा है क्या है, और अभी चलते हैं स्विमिंग सेशन के लिए और उसके बाद चेकआउट करके यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं सोमनाथ। सोमनाथ जाते हुए रास्ते में माधवपुरा बीच आएगा, सो वहाँ पे भी जाएंगे थोड़ा सा स्टॉप करते हुए। उसके बाद सोमनाथ रेजेंटा में हमारा स्टे है तो वहाँ पे जाएंगे, सोमनाथ के दर्शन करेंगे और देखते हैं आगे आगे क्या करते हैं। देखिए क्लब महिंद्रा द्वारका में आए हैं, स्विमिंग पूल की मजा ले रहे हैं। बहुत ही अच्छी सुबह है हमारी। ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर रहे हैं, क्विक ब्रेकफास्ट, और उसके बाद यहाँ से चेकआउट करेंगे। बहुत बढ़िया स्विमिंग का सेशन, आधे घंटे तक स्विम किया, मज़े किए और अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके यहाँ से हम लोग चेकआउट करके निकलते हैं। ये सोमनाथ जाते हुए, द्वारका से सोमनाथ जाते हुए बीच में ये हर सिद्धि माता जी का मंदिर है। द्वारका से सोमनाथ हम लोग जा रहे थे, लेकिन द्वारका से पोरबंदर के बीच में हर्षद करके एक गांव है, वहाँ पे हर सिद्धि माता जी का मंदिर है, वहाँ के लिए हम लोग आए। हालांकि अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, लुक एट दिस, कितनी बढ़िया जगह है। मुझे तो बहुत ही यहाँ पे आके ही मज़ा आ गया कि ये मंदिर है यहाँ पे, कार यहाँ पे पार्क हो गई और सामने बीच है यहाँ पे पूरा। और ये मंदिर जो है वो हरसिद्धि माता जी का नहीं है, ये श्री भीड़ल भंजन भवानीश्वर महादेव का मंदिर है। और सामने वो यहाँ पे कुंड है, हरसिद्धि माता जी का कुंड है। और थोड़ा आगे हम लोग रास्ते में आए, हमने देखा थोड़ा आगे हरसिद्धि माता जी का मंदिर है, वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ तक एंड यहाँ पे है तो यहाँ तक आ गए। और यहाँ से अभी रिटर्न वापस जाएंगे तो हरसिद्धि माता जी के मंदिर भी होते हुए जाएंगे। सो ये बहुत ही बढ़िया जगह है। और यहाँ पे पता नहीं पूरा यहाँ पे डिमोलाइजेशन किया हुआ है, बहुत सारी जो यहाँ पे पता नहीं घर थे लोगों के या क्या था, वो सारे बहुत सारे रास्ते में भी हमने देखा तोड़े हुए हैं। तो कुछ होगा रीज़न, लेकिन पूरा ऐसा एंट्री जो ऐसा लग रहा है जैसे अर्थक्वेक के कोई गांव में आ गए हो ना ऐसा। बट ये जगह बहुत मस्त है। ये हरसिद्धि माता जी के मेन मंदिर पर जाने के लिए यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अभी वहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है उस वजह से बंद है। तो अभी के लिए ये मंदिर जो है यहाँ पे नीचे ही है, अदरवाइज़ ऊपर पूरा चढ़ के जाना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पे ये मंदिर जो है उसको टेम्प्रेरी शिफ्ट कर दिया है। ये पूरी मार्केट, छोटी सी मार्केट है यहाँ पे मंदिर के सामने ही, और ये रहा मंदिर।
ये आप देख सकते हो। ये मंदिर है, आप यहाँ से ही दर्शन कर लीजिए। द्वारका से सोमनाथ जाते हुए रास्ते में पोरबंदर आता है, जो कि गांधी जी का जन्म स्थल है। कीर्ति मंदिर है वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे आए हुए हैं। आप यहाँ पे ये बोर्ड देख सकते हो, ये कीर्ति मंदिर का है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये पार्किंग जो यहाँ पे हमने की है, शीतला चौक बोलते हैं इसको, शीतला चौक। अगर आप लोग आ रहे हो, किसी को पूछना है या ऐसा है, तो शीतला चौक कीर्ति मंदिर वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या क्या है यहाँ पे, और मेन महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल, बर्थ प्लेस जो है वो यहाँ पे है। यस गाइस, सो हम लोग कीर्ति मंदिर पोरबंदर यानी कि गांधी जी के जन्म स्थल से अभी आ चुके हैं माधवपुर बीच। और ये मेन हाईवे है, पीछे आप देख रहे हो ये मेन हाईवे, और ये रहा बीच। सो पैरेलल ये समंदर और हाईवे पैरेलल दोनों जो है जा रहे हैं। ऐसा एक बहुत ही बढ़िया ये जगह है, और ये समंदर के किनारे आ गए हैं हम लोग। अभी दोपहर के 3 बजे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी कुछ एक्टिविटीज़, और ये यहाँ पे आर्टिस्ट लोगों ने कुछ बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सैंड आर्ट जो बोलते हैं ना, उसका कुछ तो है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। सी दिस, इस तरीके के बहुत सारे सैंड आर्ट है, गणपति बापा है, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे ये G20 समिट के हिसाब से कुछ तो किया लग रहा है। माधवपुर फेयर 2023 नाम है, एंड दिस इज़ द थिंग।
नहीं क्या भाई जी ये देखिए सैंड आर्टिस्ट जो है अपना वर्क उनका चालू है यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे एज यू कैन सी दिस यहाँ पे G20 लिखने जा रहे हैं आप देख सकते हो बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी है वेरावल का जो नारियल है वो पूरे गुजरात में फेमस है सो 5 बजे हम लोग रेजेंटा सोमनाथ पहुंच चुके हैं वेलकम ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं और चेक इन की प्रोसेस भी चालू है और मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरीके का रिसेप्शन एरिया दिख रहा है तो हमको 4th फ्लोर पे रूम मिला है 407 चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का रूम है ये एंटर होते ही यहाँ पे मिनी फ्रिज और टी कॉफ़ी का है सामने इस तरीके का बाथरूम है यहाँ पे कबट है और ये बेड है डबल बेड वाले 2 बेड है 4 जनों के हिसाब से फैमिली रूम है 3 जनों के लिए हमारे ये मैं हूँ यहाँ पे छोटी सी एक राइटिंग टेबल दी हुई है और व्यू जो है वो कुछ इस तरीके का व्यू है सामने पूरा कोकोनट ही कोकोनट दिख रहे हैं यहाँ पे सारे नारियल के पेड़ है पूरा रास्ते में भी इवन थ्रू आउट द रोड ऐसा ही लग रहा था जैसे नारियल के कोई जंगल में आ गए हो हम लोग सो ये छोटी सी रूम टूर आपने देख लिया हमारा रूम ये रेजेंटा सोमनाथ रेजेंटा का AR होलीडेज़ के थ्रू ये हमने लिया हुआ है यस गाइस वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच आज का ये व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है एक बहुत लंबा व्लॉग ऑलरेडी बन चुका है और नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें सोमनाथ टेंपल और ये रेजेंटा प्रॉपर्टी भी आपको थोड़ी दिखाएंगे और दूसरी भी कुछ चीज़ें हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे वो क्या है वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग ही देखना पड़ेगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों ताकि जब भी न्यू व्लॉग आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए और अभी बस ये रेस्ट कर रहे पहुंच के रेजेंटा में और बस आपको पता ही है बाकी तो क्या करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी आपको सही लगता है वीडियो देखने के बाद वो ज़रूर से कर दीजिएगा थैंक यू वेरी मच बाय बाय संडे को मस्त नहा धो के आ और आना मैं तुम्हें घर पे आके दे के जाऊंगा संडे को पक्का ना पक्का चलो अभी देख लेते हैं